दोस्तों, हमारे देश में कौन किसे कहां पर बेवकूफ बना दे किसी को पता नहीं चलता। यही वजह है कि कई बार हमारे देश की बदनामी भी हो जाती है। कोई कान साफ करने के नाम पे पैसे लूट रहा है, तो कोई किसी के जूतों पर उसके कुत्ते की टट्टी डालकर नए तरीके से पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहा है। इस देश में कौन कब किसे पागल बना दे किसी को बात नहीं पता। तभी तो कहा जाता है कि आपको हर समय ही चौकन्ना रहना होता है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं हमारे देश में होने वाले कुछ सबसे बड़े सड़क छाप स्कैम्स। बस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको वाकई में बहुत हंसी आएगी कि क्या कोई किसी के पैसे ठगने के लिए इस तरह की भी हरकत कर सकता है। जी हां, यहां पर पता है क्या किया जा रहा है? दोस्तों, किसी के भी जूते पर कुत्ते की टट्टी फेंक दी जाती है और साफ करने के नाम पर अच्छे खासे पैसे वसूले जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको दिखाते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में कैसे ये बड़ा स्कैम चल रहा है। यहाँ देखिए कि एक विदेशी इंसान जो कि आराम से कनॉट प्लेस में घूमने के लिए गया है, उसके साथ कैसे कुछ लोग स्कैम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि कैसे इनके जूते पे टट्टी लगा दी जाती है। ये कुत्ते की टट्टी और ये भयानक स्मेल करते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अचानक इनके जूते में ये आया कहां से, तो आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो देखनी है। जी हाँ, देखिए इस इंसान को, जो बहुत बड़ा कलाकार है एक्चुअली। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे इसने पिचकारी में टट्टी का घोल बनाकर इस विदेशी इंसान के जूते पर फेंक दिया। जी हाँ, उसके बाद ये खुद ही उनके पास जाता है और उनको इसके बारे में बताता है। उनसे बोलता है, आपका जूता तो गंदा है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो ठग लोग होते हैं वो बहुत ही शातिर होते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इस विदेशी इंसान के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली और उसके बाद इन्हें एक मोची के पास ले गए जो कि इसी का आदमी था। ये देखिए, इन्होंने जूतों की सफाई तो कर दी, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि इसके लिए इनसे कितने पैसे मांगते हैं। 2000 रुपए इन्होंने मांगे हैं सिर्फ इस छोटे से काम के लिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। आप देखिए कि एक बार फिर फ्रेम में उसी आदमी की एंट्री होती है जिसने इनके जूते पर कुत्ते की टट्टी फेंकी थी। ये उस विदेशी आदमी के दोस्त बन के आते हैं और कहते हैं कि आप इसे 2000 मत दीजिए, ये आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, आपको बस 900 रुपए देने हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि ये दोनों कैसे देश में आए मेहमानों को ठगने का धंधा चला रहे थे। दोस्तों, अगर ये रोज 4 से 5 लोगों के साथ ऐसा करते होंगे तो भी आप समझिए कि ये कितनी मोटी कमाई करते होंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि इनकी सोच कितनी आगे तक चली गई थी। इन्होंने कुत्ते की टट्टी से भी पैसे कमाने की सोच डेवलप कर ली, कमाल है यार। दोस्तों, अब जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की लड़की को नकली गहने बेचकर 48 लाख का चूना लगाया गया और उसे बर्बाद कर दिया गया। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जब आपका दिन खराब होता है तो चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना बैठे हो, आपको कुत्ता काट ही लेगा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि गोवा में एक ऑस्ट्रेलिया की महिला को रमेश नाम के इस इंसान ने पागल बना दिया। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत इस तरह से हुई कि जब एक ऑस्ट्रेलिया की महिला गोवा घूमने के लिए आती है तो उनकी दोस्ती एक रमेश नाम के इंसान से होती है जो कि बहुत ही शातिर होता है। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया की महिला को क्या पता कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है। जी हाँ, रमेश ने कहा कि उनका एक क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसे ये गहना ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं, लेकिन ड्यूटी चार्ज अच्छा खासा लगेगा। इसलिए रमेश ने इन्हें ऑफर किया कि आप चाहो तो इसे ऑस्ट्रेलिया में जब जाना तो मेरे क्लाइंट को दे देना और बदले में मैं आपको 21 लाख रुपए अकाउंट में भेज दूंगा। लड़की को भी लगा कि शायद रमेश बड़ा बिजनेसमैन है और सच्चा इंसान होगा और ये पैसे तो दे ही देगा। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़की इस गहने को लेकर अपने होटल में बैठी थी तभी फेक कस्टम ऑफिसर का फोन आया और उसने इस लड़की को डरा दिया। जी हाँ, इनसे कहा गया कि आपके पास न तो इस गहने की रसीट है और न ही कोई सबूत है, ऐसे में आपको जेल जाना पड़ेगा। जब ये लड़की बुरी तरह से डर गई तब इसने रमेश को कॉल करके बताया कि ये बहुत बड़ा इशू हो गया है और अब ये क्या करे। रमेश ने कहा कि वो तो खुद ही परेशान है और अब जेल जाने से बचने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप अभी ही इस गहने को मेरे से खरीद लो और उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे तो मैं आपके 48 लाख रुपए वापस कर दूंगा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता है। जी हाँ, उस महिला ने रमेश के अकाउंट में 48 लाख रुपए डाल दिए और उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो पता चला कि रमेश ने जिस क्लाइंट का एड्रेस दिया था वो झूठ था। जी हाँ, उसके बाद ना तो इन्हें रमेश मिला और न ही पैसे मिले। सबसे बड़ा झटका इन्हें तब लगा जब ये गहने लेकर सोने चांदी वाले के पास गई। पता चला कि सारे के सारे गहने भी नकली ही थे। अब समझिए कि कितना बड़ा स्कैम किया गया इनके साथ। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि कैसे ट्रेन में आजकल टिकट के नाम पे स्कैम किया जाता है। जी, आप सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में इस तरह का बड़ा गिरोह आपको लूटने के लिए हर समय काम कर रहा होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गिरोह सबसे पहले अपने टारगेट को पहचानता है, उसके बाद ये आपके पास आता है और बोलता है कि आपको हम टिकट दे देते हैं एक जगह से दूसरी जगह की, और ये टीटी के ड्रेस में होते हैं, आपको इनके ऊपर शक भी नहीं होता। दोस्तों, ये आपको कहते हैं कि टिकट काउंटर तो बंद है, ऐसे में मैं आपकी मदद करता हूँ। ये आपसे अच्छा खासा पैसा निकाल लेते हैं और बाद में आपको नकली टिकट देके चले जाते हैं। उसके बाद एक और इंसान आता है जो कि अपने आप को रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी कहता है। वो आपसे कहेगा कि आपके टिकट में स्टैंप नहीं लगा है और इसके बिना आप सफर ही नहीं कर सकते। वो भी आपसे स्टैंप के नाम पे पैसे मार के चला जाता है। आपको दो दो बार पागल बनाया जाता है और बदले में आपको नकली टिकट मिलती है। और जब आप ट्रेन में घुसते हैं तो आपको रियल टीटी बताते हैं कि कैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया है। दोस्तों, इस तरह के धंधे आजकल खूब हो रहे हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और इन स्कैम्स से बचकर रहें। भारत में सबसे बड़े ठग की कहानी। दोस्तों, सुनिए एक ठग ने पुलिस वालों को क्या कहा।
उसने कहा, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है? मैंने कभी लोगों को डराया धमकाया नहीं कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें अपराध क्या है? दोस्तों, ये बात एक ठग द्वारा पुलिस वालों को कही गई थी। एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और तो और राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है, तो कोई एक कलाबाज जादूगर। वहीं कोई समुद्र की गहराई को नाप सकता है, तो कोई आसमान से छलांग लगाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? दोस्तों, इसका जवाब शायद हाँ ही है, लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थी। कहने को तो उसकी ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर हैं, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवरलाल के पड़ोस से ही हुई थी। हुआ कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर लिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी कर उसके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता चला गया। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे देश में कान को साफ करने के नाम पर लोगों से पैसा ठगा जा रहा है। ये बात आपने भी अनुभव की होगी कि कई बार जब आप किसी बड़े शहर में होते हैं तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सर, आपके कान में बहुत गंदगी है और आप इसे साफ करवा लीजिए। जी हां, यहां पे आप देखिए कि कैसे हरिद्वार में इस विदेशी इंसान को भी यही बात कही गई। इन्हें बताया गया कि आप जल्दी से कान की सफाई नहीं कराएंगे तो मुश्किलें बढ़ सकते हैं। ऐसे में इन्होंने फैसला लिया कि फटाफट ये कान की सफाई करा ही लेते हैं। इन्होंने कहा इस ठग से कि आप जल्दी से मेरे कान की सफाई कर दीजिए। यहाँ कोई भी डर जाएगा जब उसे ये पता चले कि उसके कान में इतनी गंदगी है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैम है जो इस देश में चल रहा है। आपको बता दें कि इस कान साफ करने वाले इंसान ने इस विदेशी आदमी को लूटने का मन बना लिया है। आप देखिए कि कैसे ये इनके कान की सफाई कर रहा है। 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया, लेकिन ये कान की सफाई कर ही जा रहा है। भाई, इतनी देर में तो पूरी बॉडी साफ हो जाए। लेकिन यहाँ सफाई इस आदमी के कान की नहीं हो रही, बल्कि ये इनकी जेब की सफाई है। जी हाँ, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ आप देखिए कि कैसे ये बंदा जो कि कान की सफाई कर रहा था, वही इनके कान में गंदगी डाल रहा है, और बाद में उसी गंदगी को निकाल कर वो इन्हें बताता है कि देखिए हमने कितने अच्छे से कानों की सफाई की है। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। जब इन्हें शक हुआ तो इन्होंने दूसरे कान की सफाई करवाने से मना कर दिया, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद इनसे 100 रुपए ले लिए गए, जबकि इन्हें रेट 50 रुपया एक कान का बताया गया था। दोस्तों, मजे की बात तो यही कि जब इस विदेशी इंसान ने इस स्कैम के बारे में रिसर्च किया तो ये चौंक गए। जी हाँ, जानते हैं कान की सफाई के स्कैम में जो सबसे पहली फोटो आई थी वो उसी इंसान की थी जिन्होंने इनके कान की सफाई की थी। अब समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड था इनके साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।